मेरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बाय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, और उन खुशियों में हमारी टीम और आप लोग भी शामिल हो, और स्पेशली जो है सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग लास्ट। तो बैल के आइकॉन को वो करिएगा, कहीं कहीं बैल के सींग को मत हिला दीजिएगा, ख्याल। बैल के सींग पे हाथ लगाएंगे तो टक्कर मारेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान कॉपीड इंडियन सॉन्ग। देखते हैं कौन से पाकिस्तानी सॉन्ग पाकिस्तानी की कॉपी इंडिया किस सॉन्ग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने कौन कौन से इंडियन सॉन्ग्स की कॉपी की है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही देखें, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ही सॉन्ग्स की कॉपी की जाती है। और अब यहाँ दो कंट्रीज की बात हो रही है, तो पहले हम कंट्री के ऊपर बने सॉन्ग्स को ही सुन लेते हैं। बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब जो सॉन्ग्स आप देखोगे उसमें सारी डिटेल्स यहाँ नीचे दिखाई गई है, इसीलिए मैं अब आपसे सीधा टॉप 3 सॉन्ग्स में बात करूंगा, तब तक आप नॉन स्टॉप कंपैरिजन को एंजॉय करो। ये तो बता हुई क्या खता, दिल मेरा तोड़ा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा। गोरे गोरे मुखड़े पे तिल काला काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अल्लाह करे बन जाऊं मैं तेरा घर वाला। के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तुझे दिखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस सॉन्ग को सुनकर तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि ये किस सॉन्ग की कॉपी। इसको टॉप 3 में जिस वजह से रखा है उसका असली रीजन है ये वाला वर्जन। यल्ला इरजा इरजा बेत कफीर, वेन इम्शी अंती वेन रोही। यहाँ तो अरब वालों ने बाजी मार ली। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस सॉन्ग को मैंने सेकंड नंबर पर इसीलिए रखा है क्योंकि इसके मेकर्स ने सॉन्ग को रिक्रिएट नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाकर एज इट इज चला दिया, और यहाँ तक कि शॉर्ट्स भी हूबहू कॉपी किए हैं।
दोस्तों अब जिस सॉन्ग की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे समझना ठीक वैसा ही है जैसे इंसेप्शन मूवी को समझना। इस सॉन्ग में मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कहीं और से कॉपी किए गए हैं। पहला तो जिसमें ट्यून और बोल एक जैसे ही हैं। दूसरा जिसमें बोल अलग है लेकिन ट्यून सेम है। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। और इसी में जो बोल है वो किसी और सॉन्ग की कॉपी है। लेकिन ये वाला सॉन्ग भी किसी और सॉन्ग की कॉपी है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये सॉन्ग इस लिस्ट के पहले नंबर पर क्यों है। लेकिन सिर्फ यही सॉन्ग नहीं है जो इंडिया ने किसी और सॉन्ग से कॉपी किया है, बल्कि ऐसी एक पूरी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है। देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। जय हिंद। मैं थोड़ा सा इसके लिए जो है अपनी तरफ से कहूँ कि वो गाना, वैसे बहुत से गाने इसमें दिए गए लेकिन एक गाना मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल मैं कहने वाला था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। दूध की बोतल, दूध की बोतल, गलत ना समझिएगा, दूध की बोतल की बात हो रही है तबानाई के लिए। आप क्या समझ रहे थे? और वैसे आजकल कराची में थोड़ा सा गर्मी तो जरूर है लेकिन मौसम आजकल मौसम अच्छी जगह पर बंदा बैठा हो कमरे के अंदर, एसी हो, शीशे के अंदर बाहर का नजारा तो अच्छा लग रहा है। सी साइड पे जाके भी अच्छा लगेगा, कोल्ड ड्रिंक बंदा पी ले, ठंडी चीजें खा ले गर्मी में, तो मौसम आशकाना वाकई हो रहा है, बड़ी बरसात वाला। कल परसों बारिश भी हुई थी। जी जी जी, मतलब इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक तो गानों का माहौल और पूरे से सारा माहौल है उसकी वजह से जो है ना वो इसका, क्योंकि ये गाना है भी बारिश के अंदर। हाँ, ये बारिश के अंदर और इतना बेहतरीन फिल्माया गया है इसको। ये फिल्म भी बहुत मजेदार है। हाँ, फिल्म पिक्चर खैर बहरहाल इंडिया तो थोड़ा पीछे चले जाए तो स्टोरियां होती थी फिल्म के अंदर, अच्छी थी। तो बाकी ये है कि म्यूजिक ऐसी चीज है जिसकी कोई सरहद नहीं है, और टैलेंट ऐसी चीज है, फन ऐसी चीज है जिसकी कोई सरहद नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत वो बात लगी मुझे भाई की शुरू में, कि आप ये चीज मतलब जहन में ना रखिए कि यार कौन सा कंट्री कौन सा कंट्री, सब एक हैं, सब कॉपी तो हर कोई करता रहता है, दूसरे की कोई इशू नहीं है। कभी इंडिया तो कभी पाकिस्तान, कई सॉन्ग ऐसे हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के किए हैं। मिसाल के तौर पर नुसरत फतेह अली खान की काफी गजलें वगैरह गई हैं, और नुसरत फतेह अली खान को बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे भी, सही वो मानते हैं वर्ल्ड फेम थे। तो मतलब उसमें मैंने देखा कि उनके दिल में कोई वो नहीं कि पाकिस्तानी है, वो फनकार की कदर करते हैं और फनकार को आसमानों तक पहुंचा देते हैं। कई ऐसे टैलेंट है, राहत फतेह अली खान को उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, और जावेद शेख को भी वहाँ इज्जत मिली। और नहीं नहीं, उन्होंने वो असल में वो बात है, वो फनकारों की कदर करने वाले, और उनके पास इतनी बड़ी वो है यानी इंडस्ट्री है कि हमारे यहाँ जो है ना जो हमारी इंडिया पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत थी और उसकी बहुत सी चीज़ें जो है वो यानी कॉपी की जाती थी, गाने भी किए जाते थे और फिल्म में भी की जाती थी बहुत सी चीज़ें। अब ये कि अगर वक्त लग ले तो उसको सर्च करके निकालेंगे तो ये बातें, लेकिन अब हमारी इंडस्ट्री तो जैसे और चीज़ें तबाह हो गई वो भी तबाह हो गई उसके अंदर, लेकिन ये उस इंडस्ट्री ने, इंडिया की इंडस्ट्री ने दुनिया भर में, क्योंकि उसका एक नाम है और तमाम दुनिया में उसकी
पूरा मुल्क भी अगर देखा जाए तो इंडिया का पूरा मुल्क की आबादी और उसका इंडिया की फिल्मों का तो एक बड़ा कंपटीशन जब भी इंडस्ट्री हाँ कभी हाँ। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं खरीदार ही ना हूं तो वो मेरी प्रोडक्ट बेकार है, तो मैं एक फिल्म बनाता हूं वो सिनेमा ही नहीं है, इतने नहीं है तो फिर देखने वाले इतने नहीं है, मेरा टिकट ही नहीं बिक रहा, आबादी नहीं है तो फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं। मैंने वहां पर इंडिया और यूके में जाके इनकी फिल्में देखी और वहां रश भी देखा बहुत ज्यादा लोग जो है उसको। भाई जो है हमारे सब्सक्राइबर वो पूछ रहे हैं कि सिमल की पसंद का गाना कौन सा, उनकी दिल की आवाज मैंने सुनी। अच्छा इतनी जल्दी आपने आवाज भी सुन ली, वाह वाह क्या बात है, इनकी कानों के लिए तालियां कर रही हूं। आप नहीं वो जो है सिमल जो है थोड़ा सा वो गाना नहीं मुझे नहीं आता, चलो थोड़ा सा जैसे तैसे ही से फिर मैं भी गा लूंगा। नहीं नहीं मुझे नहीं आता, कुछ भी कुछ शेर सुना ले, कुछ भी कोई शेर सुना दे। नहीं नहीं मुझे नहीं आता बिल्कुल भी शेर वेर, मुझे इतना नहीं वो गाना भी बहुत अच्छा था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। आप सुना नहीं रहे, आप अपना बता दो कौन सा गाना आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट सॉन्ग सिंगर बताए कुछ तो बताए। फेवरेट सॉन्ग मेरा इन्होंने गा लिया ये जो काजल। अच्छा मैंने ये असल में जो जब ये गाना आया तो उन्होंने कुछ जज्बात देखे, आपने वेरिएशन देखा, वाइब्रेशन देखी, करंट देख लिया। इसके अलावा सिंगर कोई पसंदीदा सिंगर? मुझे सोनू निगम बहुत अच्छा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अच्छा वैसे गाने बाहर तमाम के तमाम बहुत अच्छे थे और कंपटीशन वाइज भी, और वो जो है गाने सारे अपना इंडिया के भी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस वाले गाने जब ही होता है जब वो फेमस होता है तो ये है कि बहुत अच्छा ये लगा। और ये जो है तमाम बातें उसके अंदर जो उन्होंने पहले से कह दी थी कि ये होता रहता है, तो ये बहरहाल इसके अंदर इसके लिए बैड कमेंट। जी जी दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए